दिवाली के शुभ अवसर पर जहां सभी लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, उसी बीच उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल में भूस्खलन होने से करीब 40 मजदूर यहां फंस गए। करीब 12 घंटे का समय बीत चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो मलबा जो पैच है मलबे का, वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सकेवेट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीज़ें हट जाएंगी, मलबा जो है, और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। सर जिस तरह से बता रहे हैं कि जैसे मलबा साफ किया जा रहा है, फिर दोबारा टूट जा रहा है, सर देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। टनल हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। वहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर, काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर हैं। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ें हम तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे ना भेजें, अब हवा भेजें, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साइड से टूट रहा है, तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रेक्सो चल रहा है बाहर से, वह है 205 मीटर पर, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर, वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर हैं, और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है, जी ये सबसे बड़ी एक आज एक सबसे बड़ा कदम है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है। जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे, लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है, तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं तो वो बिल्कुल, हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं, कौन सी स्थिति में हैं, तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज़ हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिखे, क्या आप तक पहुँचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज़ भेजा था वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए, और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भेजी जाए। सीएम पुष्कर धामी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मजदूरों को निकालने के प्रयास में लगी हुई हैं।